भिवंडी शहर व आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सेंधमारी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। अज्ञात चोर बंद घरों को निशाना बना रहे हैं, जिसके कारण नागरिकों में चोरों को लेकर डर बना हुआ है। इसी क्रम में अज्ञात चोर ने नारपोली गांव के अन्ना भाऊ साठे नगर इलाके में स्थित एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए दरवाजे की कुंडी तोड़कर लगभग 85,000 रुपए के आभूषण को चोरी करने की घटना को अंजाम दिया है। घर के मालिक संदीप हरिचंद्र उदमले ने इसकी शिकायत नारपोली पुलिस स्टेशन में दर्ज करा है। पुलिस के मुताबिक अन्ना साहेब साठे नगर निवासी संदीप हरिचंद्र उदमले गांव गए हुए थे। इस दरमियान अज्ञात चोर ने इनके दरवाजे की कुंडी तोड़कर प्रवेश किया और अलमारी में रखा लगभग 85,000 रुपए के आभूषण को चोरी कर लिया है। नारपोली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भिवंडी शहर व ग्रामीण परिसर में बिजली की आपूर्ति व बिल वसूल करने वाली टोरेंट पावर कंपनी द्वारा बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू है। इसके बावजूद बिजली चोरों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर टोरेंट पावर कंपनी सतर्कता विभाग टीम ने तांडेल मोहल्ला मेमन मस्जिद स्थित अरब बिल्डिंग के तल मंजिल फ्लैट क्रमांक 2 में छापा मारकर कुरैशी तहसीन बानो आतिक और दिलशाद शेख को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है, जिसकी शिकायत उन्होंने शांति नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक दोनों अपने आर्थिक फायदे के खातिर बिजली मीटर से छेड़छाड़ किया और अवैध कनेक्शन कर पिछले एक साल के भीतर 9,246 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हुए 2,47,389 रुपए की बिजली चोरी की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज कर लिया है। चलती लोकल ट्रेन में 10 वर्षीय लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले को कल्याण रेलवे पुलिस ने किया अरेस्ट। सेंट्रल रेलवे के अम्बिवली तितवारा रेलवे स्टेशन के बीच एक 10 साल की लड़की को टच करते हुए अश्लील हरकत करने वाले की कंप्लेन मिलने पर कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन ने आरोपी को अरेस्ट किया। अरेस्टेड आरोपी का नाम विशाल सिंह बताया जा रहा है, जिस पर पहले मोबाइल चोरी का भी मामला दर्ज है। मिली जानकारी के मुताबिक थर्सडे को 65 वर्षीय ओल्ड सीनियर सिटीजन महिला के साथ 10 वर्षीय लड़की ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी, तभी ये घटना घटी। वक्त रहते रेलवे पुलिस को अलर्ट करने पर तितवाला स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही आरोपी को रेलवे पुलिस ने धर दबोचा। शहर व आसपास क्षेत्रों में लगातार वाहन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इसी क्रम में अज्ञात चोरों ने एक दिन के भीतर विभिन्न क्षेत्रों से ट्रक कार और मोटरसाइकिल चोरी करने की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शिरपुर जिले के रहने वाले ट्रक ड्राइवर संभाजी नागौर थोरात ने अपनी अशोक लैंडेड ट्रक क्रमांक MH04GC0310 को निजामपुरा पुलिस स्टेशन सीमा अंतर्गत खाड़ी पार के तलवली नाका पर पार्क किया था, जिसे अज्ञात चोर ने चोरी कर ली है। पुलिस ने ड्राइवर की शिकायत पर 3,90,000 रुपए कीमत के ट्रक चोरी प्रकरण में अज्ञात चोर के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर लिया है। इसी तरह चिंबीपाड़ा के रहने वाले चंद्रकांत काशीनाथ पाटिल की 30,000 रुपए कीमत की होंडा कंपनी की स्पेंडर मोटरसाइकिल को अज्ञात चोर ने चाचा नेहरू स्कूल के सामने से चोरी कर ली है। कशेली कारीवाड़ा के रहने वाले दिलीप इंद्रपाल मंडवी को मारुति स्टिंगा कार क्रमांक MH04KT0300 को एक सोसाइटी के गेट के सामने से अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है। डीसीएम फडणवीस का पीए बताकर 15 लाख ठग लिए, दो के खिलाफ साउथ मुंबई मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। साउथ मुंबई एरिया में एक सोसाइटी का काम करके देने के बहाने 15 लाख लेकर धोखाधड़ी करने वाले दो लोगों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुहस महादीक और किरण पाटिल नामक दो लोगों ने खुद को महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पर्सनल असिस्टेंट पीए बताकर एक सोसाइटी का काम करने के लिए 15 लाख लिए। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में सेक्शंस आईपीसी 170, 419, 420, 34 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी में से एक आरोपी सुहास महादिक हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में पहले भी एक मामला दर्ज है।